क्लियर है। अब देखो ये जो लेट मोरूला के बाद क्या बना, जब 32 सेल्स बनेंगे तो इसके क्या बनने लगेंगे, इसके एक आउटर लेयर बनेगा और एक इनर लेयर बनेगा। क्या बनेगा? आउटर लेयर आउटर बनेगा एंड और एक इनर इनर लेयर। वॉल, ठीक है। अभी तक इसको क्या बोलेंगे हम लोग, मोरूला ही बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एक्चुअली मोरूला 16 सेल का ऐसा बनेगा, ठीक है, क्लियर है। सर, ये जो अंदर आपने तो बोला ब्लास्टोला बोलेंगे ना। अरे नहीं, ये जो 16 सेल्स है ना, उसका कंडीशन मैं बता रहा हूँ, ये ऐसा कुछ हो जाएगा, ठीक है। ये ऐसा दिख रहा है ना, इसके बाद ये ऐसा दिखने लगेगा, ठीक है, ओके क्लियर है। अब ये जो ये क्या है, मोरूला 16 सेल वाला मोरूला है, क्या है ये? जो 16 सेल वाला वाला लेट मोरूला है ना, वो कुछ ऐसा दिखेगा। कितने लेयर बन गए? हाउ मेनी दो लेयर इज फॉर्म? टू लेयर, ठीक टू है। सो लेयर्स। इसमें जो दो लेयर बन गए हैं, अब देखो अभी पूरा बना करके तो मैं आप लोगों को तो पूरा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जितना मेरे से तो होगा आई विल डेफिनेटली डू। सर परमिशन, अच्छा अब किसको देना है अभी परमिशन? तन्वी को। अरे इतनी लोग परमिशन देते समझ नहीं आता। ओके सो अभी ये क्या बन गया, ये क्या है? दिस इज अ नथिंग बट दिस इज अ मोरूला। दिस इज व्हाट? दिस इज मोरूला। क्या है ये? मोरूला, ठीक मोरूला है। अब ये मोरूला जो है, लेट मोरूला ही है ये। क्या है? दिस इज अ लेट लेट मोरूला मोरूला। अब ये मोरूला का कितने लेयर बन गए? देयर आर हाउ मेनी लेयर? टू लेयर। तो अभी जो मोरूला का आउटर मोस्ट लेयर है, वो क्या करेगा? इट हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ व्हाट? न्यूट्रिएंट फ्रॉम द एंडोमेट्रियल मेम्ब्रेन। क्या? एब्जॉर्बिंग हेल्प इन एब्जॉर्बिंग न्यूट्रिएंट्स न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फ्रॉम एंडोमेट्रियल मेम्ब्रेन। एंडोमेट्रियल मेम्ब्रेन। तो अभी ये क्या हो जाएगा, ये हो गया आउटर पार्ट, क्या हो गया? आउटर सेल्स हो गया, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इट एब्जॉर्ब सही आउटर ना। न्यूट्रिशन, हाँ आउटर वाला, इट एब्जॉर्ब न्यूट्रिशन फ्रॉम, कहाँ से करेगा न्यूट्रिशन? फ्रॉम एंडोमेट्रियल मेम्ब्रेन, फ्रॉम एंडोमेट्रियल मेम्ब्रेन। एंडो मेट्रियल मेम्ब्रेन। क्या करेंगे? एंडोमेट्रियल मेम्ब्रेन। हेंस इट इज कॉल्ड एज द ट्रोफोप्लास्ट। हेंस इट इज कॉल्ड एज, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे? दैट आउटर लेयर इज ट्रोफोप्लास्ट। कॉल्ड एज ट्रोफोब्लास्ट। क्या बोलेंगे? ट्रोफो ट्रोफो का मतलब ट्रोफो क्या होता है? करना ट्रोफो का मतलब क्या होता है? ट्रोफो ब्लास्ट। और इसी कंडीशन को हम लोग बोलेंगे ट्रोफो एक्टोडर्म। क्या बोलेंगे? ट्रोफो ट्रोफो एक्टोडर्म। एक्टोडर्म। व्हाट इज अ ट्रोफो? कैन यू टेल मी? कैन यू टेल मी व्हाट इज अ ट्रोफो? आई डोंट नो ट्रोफो का मतलब क्या होता है? जो सम पेड़ अपना एम्प्लॉय टाइप्स। जो पेड़ अपना खुद का खाना बना लेते हैं, उनको क्या बोलते हैं? तो मतलब पेड़ लोग को क्या ऑटोट्रॉफ। बोलते हैं? ऑटोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ। हाँ, तो जब उसमें ऑटोट्रॉफ था, तो ऑटोट्रॉफ का मतलब पता होना चाहिए ना आप लोगों को। क्या होता है ऑटोट्रॉफ का मतलब? तो खुद का खाना बनाता है खुद हाँ, ही। ट्रॉफ, ट्रॉफ का मतलब होता है खाना और न्यूट्रिशन, ठीक है। सो जो लेयर अपना खुद का न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर ले रहा है, दैट लेयर इज कॉल्ड एज ट्रोफोब्लास्ट। ब्लास्ट क्या बोलते हैं उसको? दैट कंडीशन इज ट्रोफोब्लास्ट। कॉल्ड एज ट्रोफोब्लास्ट। दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज, उस कंडीशन को क्या बोलेंगे? ट्रोफोब्लास्ट। क्या? सिमिलर है ना ऑटोट्रॉफिक। अरे नहीं यार, ट्रोफो का मतलब मैं बता रहा हूँ, ऑटोट्रॉफ के कहाँ जा रहे हो आप लोग? ऑटोट्रॉफ में ट्रॉफ ट्रोफो का मतलब न्यूट्रिशन होता है, ऑटो का मतलब है खुद से बनाया हुआ, ट्रोफो का मतलब होता है न्यूट्रिशन। ट्रोफो का मतलब क्या होता है? न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन ट्रोफो न्यूट्रिशन। का मतलब क्या होता है? न्यूट्रिशन, क्लियर है, ठीक हाँ यस है। ट्रोफो का मतलब क्या होता है? न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन ट्रोफो का मतलब क्या होता है? न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन। ठीक है। ट्रोफो सो का मीन न्यूट्रिशन, क्लियर है। तो अब ये क्या कर रहा है, जो आउटर मोस्ट लेयर है वो न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कर रहा है, एब्जॉर्बिंग द न्यूट्रिएंट, हेंस इट इज कॉल्ड एज अ
ब्लास्ट और इट इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रोफो एक्टोडम है, और इट इज कॉल्ड एज ट्रोफो एक्टोडम। क्लियर है? क्लियर है? अब क्या हो जाएगा, अभी जो ये सेल्स लोग हैं, अब ये सेल लोग क्या कर